हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में अपन पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं कि हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली। बहुत बार अब ये टॉपिक क्यों आया कि स्टूडेंट बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं कि करियर में बहुत कुछ करना है, बहुत मोटिवेट होके वो पढ़ने तो बैठ जाते हैं, बहुत बार टेबल में बैठने के बाद वो स्टडी करना चालू करते हैं, मोर देन 1 आवर 5 आवर 6 आवर स्टडी करते जाते हैं, कभी कभी बहुत बार बैठते हैं 2 to 3 आवर्स निकल जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता ये सारे टाइम निकल गए। हम इसीलिए अब ये बैठने के बाद, इतना स्टडी करने के बाद, उनका टाइम जाने के बाद, वो 5 आवर्स के बाद उनको यही नहीं समझ में आता है कि आज के लर्निंग से हमको क्या समझ में आया और ये जो आप वो स्टडी कर रहा था अल्टीमेटली वो किस लिए कर रहा था, वो एग्जाम तक उसको रिटेन करके आउटपुट वो एग्जाम में लिख पाया आंसर। बट स्टूडेंट हमेशा प्रॉब्लम क्या फेस करता है, वो स्टडी तो कर लेता है लेकिन वो फेस करता है प्रॉब्लम कि वो एग्जाम में उसका आउटपुट नहीं दे पाता है। तो मैं आज के सेशन में हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली इसीलिए लेके आया हूं क्योंकि स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि मेरे को पढ़ना कैसे। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। रीजन बिहाइंड द सेम कि जब स्टूडेंट टेबल में बैठ के पढ़ना चालू करता है वो पढ़ते कैसे है उस वक्त, वही उसको नहीं पता है तो वो पढ़ कैसे रहा है यही नहीं समझ रहा। सो आज के सेशन में अपन सिर्फ 8 पॉइंट्स के अंदर देखेंगे कि आप एक बार पढ़ने के बाद उसको एग्जाम तक कैसे रिटेन कर पाएंगे, वो आज मैं 8 पॉइंट्स के अंदर सिखा दूंगा। कैसे ये टॉपर्स आपके बनते हैं। कभी भी टॉपर्स का इंटरव्यू जब आप देखते होंगे तो आपको बस इतना पूछते हैं कि कैसे आपने पढ़ाई की, हाँ हमने ये स्टडी मटेरियल रिफर किया, फिर बोलते हैं आपने कब पढ़ाई की, कैसे मतलब कितना एफर्ट्स किया, हमको बहुत एफर्ट्स करने पड़े, हमने इतना सुबह से उठ के 6 o'clock हमने कंसिस्टेंसी फॉलो की, ये फॉलो की। जब पूछते हैं कि कैसे पढ़ाई किया तो अभी वो बोलते हैं क्या पढ़ाई कैसे किया, बुक खोला और चालू हो गए। कोई ये नहीं बताता आपका टॉपर भी, रैंकर्स भी, वो ऑल इंडिया रैंकर्स हो, ये नहीं बताता कि बुक खोलने के बाद पढ़ते कैसे हैं। आज के सेशन में अपन सिर्फ उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो आपको समझ में आया होगा, सबसे फर्स्ट पॉइंट है यहां पास आपका कि सबसे पहले आपके प्रैक्टिकल सम है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। आज के सेशन से अपन यहां चालू करेंगे। अब प्रैक्टिकल जो सम है आप सॉल्व करते हो, बहुत बार ऐसा होता है कि मैथ्स का ही अपन एग्जांपल लेते हैं, देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस, मोर देन 50 to 60 सम्स इन अ सिंगल चैप्टर। आप 50 to 60 क्वेश्चंस को एग्जाम के पहले सॉल्व नहीं कर सकते, राइट? रिवीजन करना है तो बहुत बार क्या होता है, जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, कॉलेज में आप पढ़ रहे हो या कि कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, तो जब आपको मालूम रहता है कि 1 to 10 ये क्वेश्चंस हैं, तो ये 10 के 10 ही क्वेश्चन जनरली मैथ्स में तो बहुत बार होता है, या फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, अकाउंट्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मल्टीपल क्वेश्चंस क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। जब आप पढ़ रहे हो या क्लास में टीचर ने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये पहले 5 सम एकदम सिमिलर है, हम सिर्फ 5th क्वेश्चन करेंगे, 1st 4 क्वेश्चन आपको करना है, आप सुनते हो, हाँ बहुत अच्छा बता रहे हो, बहुत अच्छी बात है, हमको 5 सम करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक। अरे आपको उस वक्त सुनना नहीं है, उस वक्त आपको क्या करना है, लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पास क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 15-20 तक क्वेश्चन गए हुए हैं। इसमें से टीचर ने बोल दिया है कि ऑलरेडी 1 to 5 क्वेश्चन सेम है, आप क्या करते हो, सुन के ले लीजिए। अब आपको क्या करना चाहिए था, आपको मार्जिन लाइन में एकदम टॉप में जो स्पेस आपके लिए वैकेंट रहती है वहां पास आपको मेंशन करना है क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आर सेम, ओनली यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। बट आप उस वक्त नहीं करते हो, बाद में जब सेल्फ स्टडी करते हो तब भी आपका टाइम वेस्ट होता है, जब फाइनल एग्जाम के लिए रिवीजन करते हो तब भी आपका टाइम वेस्ट होता है। सेकंड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप क्वेश्चन को क्लास में सॉल्व कर रहे हो या कोचिंग क्लास जहां पास भी आप जब भी आप पढ़ रहे हो, तब आप उस क्वेश्चन का कैटेगराइजेशन कर लो। कैटेगराइजेशन फॉर एग्जाम्पल सिंपल, एवरेज एंड डिफिकल्ट, सिंपल, एवरेज एंड डिफिकल्ट। अब इससे क्या फायदा होगा, फॉर एग्जाम्पल अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 को देखा, अपन ने लिख दिया सिंपल के लिए अपन को सॉल्व करना है 2 times, सिंपल को फॉर एग्जाम्पल हमको सॉल्व करना है 2 times, तो हमने क्वेश्चन नंबर फॉर एग्जाम्पल 6 है तो 1 and 2 मेंशन कर दिया। कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट है और ज्यादा डिफिकल्ट है, एवरेज लेवल का है, तो 1, 2, 3 मेंशन कर दिया। ये 1, 2, 3 है क्या, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जब आपने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया और आपका डेट है, फॉर एग्जांपल आपका 20th May है, तो 20th/5 लिख दिया आपने, ये सम जिस दिन सॉल्व किया वो डेट लिख दिया, फर्स्ट वाला सम हो गया। सेकेंड टाइम जब आप सॉल्व करोगे, जिस दिन भी सॉल्व करने वाले हो उसको जब रिवाइज करोगे, तो आपको पता है कि आपने 20th May को फॉर एग्जाम्पल सॉल्व किया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप नेक्स्ट मंथ भी रिवाइज कर रहे हो उस चैप्टर को, तो लिख देना आप वहां पास 25th August, फॉर एग्जाम्पल आप जिस दिन सॉल्व किया उस दिन लिख दिया आपने।
तो पहली चीज आपने सॉर्ट कर दिया, आपको पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, कुछ सॉर्टेड क्वेश्चन सॉल्व करने। नेक्स्ट, अब फॉर एग्जांपल आपने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपने उसको मेंशन कर दिया 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब आपने ये सॉल्व कर दिया तो मतलब इसका मतलब क्या है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन थ्रू आउट द ईयर में आपको कितने बार सॉल्व करना है, 5 times सॉल्व करना है। नेक्स्ट आते हैं, आपने फॉर एग्जांपल सेकंड या थर्ड टाइम सॉल्व किया और आपको ये डिफिकल्ट क्वेश्चन भी इजी लगने लगा, तब उस वक्त आप क्या करो, फोर्थ एंड फिफ्थ को कट कर दो, बिकॉज अभी आपको ये डिफिकल्ट नहीं लग रहा है और आपने इतने टाइम उसको सॉल्व कर लिया। अब आते हैं, ये हो गए सिंपल, एवरेज, हार्ड एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब बस सर बात कराओ कि सर थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो या थ्योरी हो, कंसेप्ट को उसको कैसे एग्जाम तक रिटेन करें। अब एग्जाम में जैसे मैंने अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताया, तो एग्जाम के टाइम पे आपको कौन से क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करने पड़ेंगे, सिर्फ जो आपने मार्क करके रखे हैं वो। अब बात कर रहे थे हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप थ्योरी पढ़ने बैठो तो सबसे जल्दी स्टूडेंट एक बोर हो जाता है। उसके लिए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, आपको टारगेट बेस्ड थ्योरेटिकल कंसेप्ट को रीड करना चाहिए। थ्योरी जब भी कंसेप्ट आए ना तो टारगेट रखो। फॉर एग्जांपल आपने रखा कि नेक्स्ट 40 मिनट्स या 60 मिनट्स आपको स्टडी करना है। इस 60 मिनट्स में फॉर एग्जांपल आपको स्टडी करना है 10 पेज, तो आप ना 10 पेज वन बाय वन एक एक पेज पढ़ना मत चालू करो, आप तुरंत बोर हो जाओगे, आपको कंसेप्ट भी समझेगा नहीं और आप उसको बुक को बंद कर दोगे। सो व्हाट यू हैव टू डू, स्टार्टिंग से ही फर्स्ट टू 10 पेज है ना, नेक्स्ट 5 मिनट्स के अंदर आपको 10 पेज को पूरा एक साइड रीड करना है। कुछ नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं आपको कुछ ना समझ में आए। उसके बाद आपको ना जब फर्स्ट लाइन से जब रीड करना चालू करोगे तब आपको क्लिक होगा, हाँ ऐसा कुछ तो मेंशन था शायद तक आगे, उसको लिंक करने में आपको हेल्प होगी। ओवरऑल कंक्लूजन समझ में आएगा कि नेक्स्ट जो 60 मिनट्स आपने डिसाइड किए हैं 10 पेज को रीड करने के लिए कितने स्पीड से जाएगा, क्या मेरे को समझेगा नहीं, एक ओवरव्यू आपका जनरेट हो जाता है। सेकंड, जब भी आप इस प्रकार के थ्योरेटिकल कंसेप्ट को रीड करने के लिए बैठ रहे हैं बच्चों, तब आपके पास एक अच्छा हाईलाइटर और पेन, रेड पेन या ग्रीन पेन अच्छे से होनी चाहिए ताकि आप इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हाईलाइट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, उस हाइलाइटेड के बाद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जब भी आपको कुछ क्लास में पढ़ाते वक्त एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, जो मटेरियल में नहीं है, उसको वहां पर मेंशन कर लो। और बहुत बार ऐसा होता है कुछ पैराग्राफ आप पढ़ते हो कि यार पूरा इतना पैराग्राफ लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है और उसका अल्टीमेटली कंक्लूजन 2 लाइन का है, तो वो क्या करो, पूरा कट कर दो, कट कर दो, सिंपल तरीके से कट करो, 1 लाइन से ऐसे कट कर दिया और उसका कंक्लूजन अपन 2 लाइन में टॉप ऑफ द मार्जिन ऑफ द पेज वगैरह मेंशन कर लिया। ये सब अल्टीमेटली आप ये सब क्यों कर रहे हो, फिर से मैं एक बार रिमाइंड कर रहा हूं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, कि आप पढ़ते बहुत हो, आप पढ़ बहुत लेते हो, 10 आवर्स इतने दिन तक पढ़ रहे हो, आप डिफिकल्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए रेडी कर रहे हो, प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या करना है, आपको मेन एग्जाम में जाके उसको आउटपुट देना है। और जब ये सब चीजें आपको याद ही नहीं रहेंगी, आपको बोला जाए कि आप 500 पेजेस रिटेन करके जाओ, इट्स अ डिफिकल्ट, मैं बोलूं 50 पेज रिटेन करके जाओ, इट्स इजी। सो आप अल्टीमेटली ये सब जितनी भी स्टडी कर रहे हो, अपन को उसको क्या करना है, क्रक्स करना है, कह सकते हो, अपन आगे चल के भी बात करेंगे उसके समरी के बारे में, ठीक है। सो इसके बाद अपन ने बात कर लिया, टारगेट स्टडी होना चाहिए अपन थ्योरेटिकल कंसेप्ट में, पेन अच्छे से यूज करना है, मार्क करना है, समरी बनाते जाना है, जो भी कंसेप्ट है जब अपन रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं 10 पेज टारगेट स्टडी में, अपन 10 पेज स्टार्टिंग से फास्ट से अपन रीड कर लेंगे। नेक्स्ट आता है सॉल्विंग ऑफ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। जब भी अपन प्रोफेशनल एग्जाम या कॉम्पिटेटिव एग्जाम बात करते हैं उसमें, या कि आपके कोई 10th, 11th, 12th कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, आज की जनरेशन में बहुत ज्यादा एमसीक्यू बेस्ड है, और जब भी एमसीक्यू बोला जाता है तब मोर देन 500 to 600+ क्वेश्चन सिर्फ एक एक चैप्टर में होते हैं, राइट। अब आप 500-600 क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करना चालू कर रहे हो तो 500-600 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपको आते हैं इजीली, उसको कुछ भी मार्किंग नहीं करनी है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आपको जब मार्क चालू करते हो, ऐसा आपके 40 क्वेश्चन 500 में 40-50 क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आए, उसमें आप क्या करो, नंबरिंग कर लो या स्टार मार्क कर लो, सर्कल कर लो। अब जब आप उसको सेकंड टाइम रिवाइज करोगे तब आपको कितने क्वेश्चन रीड करने पड़ेंगे या आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे या कि रिवाइज करने पड़ेंगे, वो 50 क्वेश्चन। जब सेकंड टाइम रिवाइज करोगे 50 में से आपको फिर से अप्रॉक्सिमेटली 20-30 क्वेश्चन आने लगेंगे, बचते हैं आपके पास लास्ट में हार्डली 20 क्वेश्चन। इस तरह करके आप क्या कर सकते हो, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को भी रिड्यूस करते जा सकते हो। नेक्स्ट आता है मेक समरी ऑफ कंप्लीट चैप्टर। स्टूडेंट आप भी अभी कोई ना कोई चैप्टर आपके कॉलेज क्लास या कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं पास भी कंप्लीट हो रहा होगा, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा जब चैप्टर कंप्लीट होने को आता है तो आपको लगता है मेरे से बेटर इस चैप्टर को कोई नहीं जानता। आप उस वक्त सिर्फ उस कुछ दिन तक ही चैप्टर खत्म होने के बाद आप ना एक एक्सपर्ट लेवल एक्सपर्ट ओपिनियन में रहते हो, वही एक करेक्ट टाइम रहता है जिस वक्त आपको क्या करना रहता है, उस चैप्टर की आपको समरी बना लेनी है।
अब समरी में क्या क्या आएगा ये अपन बात करते हैं। सबसे पहले आपको समझ में आ गया कि उस चैप्टर की डिफिकल्टी लेवल क्या है। सेकंड, आपको समझ में आ गया है कि उस चैप्टर की डिफिकल्टी के बाद कि हमको इस चैप्टर में कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला है, कौन से कंसेप्ट है, कौन से डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कौन सी चीज मेरे को आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है, कहां पास बार बार मैं सेम मिस्टेक कर रहा हूं, ये सब चीजों को आपको हार्डली 1 to 2 पेज डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द चैप्टर आपको वो मेंशन कर लेना है। एक आपकी ना हार्डली 50 पेज 100 पेज की आपकी नोटबुक हर एक सब्जेक्ट की बननी चाहिए। उसमें आप मेंशन करने के बाद जब आप रिवाइज करने जाओगे, जब मैं रिवीजन के बारे में आऊंगा आगे, तब आपको समझ में आएगा कि रिवीजन कितना हेल्पफुल होगा। आपको प्रॉब्लम ही बार बार यही होती है एग्जाम में आप अच्छा स्कोर ना करने के लिए कि आप पढ़ तो पूरे साल भर लेते हो बट आप एग्जाम्स के पहले उसको रिवाइज करके नहीं जा पाते हो, तो आपको याद ही नहीं आता कि आपने पूरे साल भर पढ़ाई क्या की। तो ये जो समरी है उस चैप्टर का जब एंड होता है चैप्टर तब आपको बनानी है। चैप्टर के बीच में भी नहीं, चैप्टर एंड के बाद टाइम में आप एक एक्सपर्ट लेवल के ओपिनियन में रहते हो। जैसे मैंने अभी तक जो बात कर ली है आप क्या क्या बना सकते हो, इसमें कौन से एमसीक्यू आपको एमसीक्यू कौन कौन से नंबर के आपको डिफिकल्ट जा रहे हैं, उनका पेज नंबर क्या है, कौन से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं फॉर द सेक ऑफ रिवीजन, रिवीजन के लिए कौन कौन से सम सॉल्व करने हैं वो मेंशन कर लिया, कहां कहां आप जनरली मिस्टेक कर रहे हो। कुछ लोग का मल्टीप्लिकेशन में गलती होती है, कुछ का डिवाइडेशन गलत होता है, किसकी टोटलिंग गलत होती है, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, किसी स्टूडेंट को बहुत ज्यादा अच्छे से आते हैं, किसी को नहीं आते, तो जो आपका पर्सनल प्रॉब्लम है आप अच्छे से जानते हो। और मैं आपको अभी भी बता देता हूं, जब आप पहले दूसरे एक दो चैप्टर का बनाओगे ना, आपको लगेगा क्या बना रहा है, मेरे को आ नहीं रहा, क्या कर रहा हूं मैं जिंदगी में, ये सर का क्या है, ज्ञान देके चले जाने का है। देखो बच्चा, जब भी आपको कोई एक बड़ा इंसान मतलब कुछ बड़ा करना है लाइफ में और कोई बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आपको ये करना ही पड़ेगा, बिकॉज आगे चल के आप भी अपने बड़े ब्रदर सिस्टर को देखते होगे, साइज ऑफ बुक्स क्या हो जाती है, बहुत हैवी हो जाती है। विदाउट समरी कोई भी इंसान इस देश के अंदर दुनिया के अंदर कभी नहीं पढ़ सकता है, वो भी समरी बना रहा है, कोई आपको बता नहीं रहा है। या कि आप जब इंटरव्यू भी किसी का देखते हो तो वो बोल देते हैं समरी बनाया था, बनाना कैसे, आप भी जब पहले एक दो समरी बनाओगे ना तो आपको भी लगेगा क्या बना रहा हूं, बन नहीं रहा। जब आप 5th और 6th चैप्टर का बनाओगे ना तब आपको लगेगा ऐसे बनाते हैं समरी, और आप 1st और 2nd चैप्टर का जब देखोगे ना, ये मैंने बनाया था ऐसा, इतना गंदा। लेकिन तब तक आप सीख जाओगे कि आपको समरी बनाने कैसी है, ठीक है। तो समरी के अंदर आपका क्या क्या कवर हो जाएगा, मेन एक सेल्फ असेसमेंट आना चाहिए उसके अंदर। सेल्फ असेसमेंट मतलब इस चैप्टर में आपको कहां प्रॉब्लम जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, इंडेक्स। इंडेक्स बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं इंडेक्स के बारे में आपको एक चीज बताता हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये स्टूडेंट बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट होता है उस चैप्टर के मार्क्स वेटेज, एक पहला क्या बोला मार्क्स वेटेज और दूसरा डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंगली आप 1 to 5 में उसको रेटिंग कर दो, तो उसके सामने इंडेक्स में सफिशिएंट जगह रहती है। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं चैप्टर नंबर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, फॉर एग्जांपल मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 है 11th स्टैंडर्ड का, वो बहुत डिफिकल्ट है, अपन ने उसको 1, 2, 3, 4, 5 मेंशन कर दिया, बहुत डिफिकल्ट है। चैप्टर नंबर 2 जब एंड हुआ तो अपन को लगा यार ये बहुत ईजी है, चलो 1, 2 दे दिया फॉर एग्जाम्पल। अब जब आपने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ है फॉर एग्जाम्पल 20th of June को, तो अपन ने डेट मेंशन कर दी, ये कंप्लीट हुआ है 15th of August को, मेंशन कर दिया। जब आपको पता है कि नेक्स्ट टाइम जब स्टूडेंट रिवाइज करेगा ना बच्चा, फॉर एग्जांपल आप 20th June के बाद नेक्स्ट आप रिवीजन कर रहे हो इसका 5th of September को, डेट मेंशन करते जाओ, डेट मेंशन करते जाओ। मैं इसका इंपॉर्टेंस 2 सेकंड में बता दूंगा। जब आपने सेकंड टाइम रिवाइज किया, ये रिवीजन कहां से करना है बताओ जल्दी से आप, जो इसके पहले वाला पॉइंट बताया ना आपको, समरी बनाया है, समरी से रिवाइज करते वक्त हार्डली आपको 1 आवर लगेगा। नेक्स्ट टाइम सेम समरी से आप जब रिवाइज करोगे हार्डली आपको 30 मिनट लगेगा। सेम समरी से जब तक आप एग्जाम तक पहुंचोगे आपको 10 मिनट में लगेगा। आपको पता है कि मेरे को रिवाइज इस चैप्टर के अंदर करना क्या है। ये जो है ना, एक कितना भी वीक स्टूडेंट हो, यदि धीरे धीरे करके इन सब चीज को फॉलो कर लेना तो ऑटोमेटिकली उसको सब कुछ आने लगेगा। सो जैसे मैंने टिक्नोमेट्री के लिए लिख दिया कि 15th of August को किया है। नेक्स्ट आपने रिवीजन जब कंप्लीट कर लो उस चैप्टर का, अब मैं इसका इंपॉर्टेंस धीरे धीरे और चीजें बताता हूं आपको। अगस्त 15th अगस्त के बाद आपने फॉर एग्जांपल इसको आपने किया 10th of November को रिवाइज किया। लिखो, जब जब आप रिवाइज कर रहे लिखते जाओ। अब क्या होता है बच्चों, जनरली जब भी स्टूडेंट को प्रेशर आता है, मॉम डैड डांटते हैं या कि कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, हमको जिंदगी में कुछ करना है तो पढ़ना पड़ेगा, आप क्या करते हो, बुक उठाते हो, पहले चैप्टर पढ़ना चालू करते हो। तो क्या होता है, कभी कभी पहला चैप्टर ना आप 10 टाइम्स तक स्टडी कर लेते हो और पता चला लास्ट के 3-4 चैप्टर उसको एक बार भी स्टडी ठीक से नहीं किया है। गॉट माई पॉइंट? तो जब आप इंडेक्स अपना बुक का ओपन करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, अरे यार मैंने 1st चैप्टर तो कम से कम 2 बार तो इस डेट को स्पेसिफिकली मैं रिवाइज कर चुका हूं। जनरली एक नॉर्मल स्टूडेंट, आपको भी प्रेशर आता है, आप क्या करते हो, पहले चैप्टर पहले पेज से पढ़ना चालू करते हो, 15 पेज तक जाते हो बोर हो जाते हो, फिर से अगली बार जब स्टडी करना चालू करते हो फिर से 1st to 15 पेज 10 पेज तक जाते हो, फिर से बोर हो जाते हो। आपको ट्रैक नहीं है कि आपने कब पढ़ा है। अब एक ये पॉइंट हो गया आपको,
आपको पता है कि नेक्स्ट टाइम आपको जो पढ़ना है वो क्या करना है, चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है कि चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है। सेकंड इंपॉर्टेंट, एक टाइम आता है जब आपको प्रेशर आता है, एग्जाम आता है, और ये मेरे को कुछ जिंदगी में मैंने पढ़ा नहीं, बहुत मस्ती की है, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस दिन आप जब ये इंडेक्स देखते हो ना, तो इंडेक्स चीख चीख के बताता है, साले तूने पहला चैप्टर जो है ना 10 बार रिवाइज कर लिया। क्या बात कर रहा है, मैंने 10 बार रिवाइज। ऑटोमेटिकली जो कॉन्फिडेंस आता है ना, जो स्टार्टिंग के फर्स्ट टू चैप्टर्स, 2-3 चैप्टर्स होते हैं ना, आप उसको 10-10 टाइम्स रिवाइज कर चुके होते हो फाइनल एग्जाम तक, राइट? सो जब फाइनल एग्जाम के पहले आप देखोगे, यार मैंने ये चैप्टर्स को, पहले 5 चैप्टर को 10 बार रिवाइज किया है, लास्ट के 5 चैप्टर्स को मैंने 7-7 टाइम्स रिवाइज किया है, ये जो कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट करके मिलेगा ना, वो आपके एग्जाम का कॉन्फिडेंस और राइटिंग स्पीड और जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है ना, वो अमेजिंग रहेगा। और जब प्रेशर आता है, एग्जाम प्रेशर, उस वक्त ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। सो इंडेक्स के साथ खिलवाड़ नहीं करने का, इंडेक्स को इस प्रकार से गंदा कर देने का ना कि मतलब मजा आ जाए। नेक्स्ट आता है मेक समरी ऑफ डाउट्स। अब एक और होता है, क्लास में आप पढ़ते रहते हो, चाहे वो कॉलेज, स्कूल है, कोचिंग क्लास, कहीं भी हो, क्लास में डाउट आता है, सर सर बोलते हैं, रुको एक सेकंड, क्लास के बाद, क्लास के बाद आपको भागने की बहुत जल्दी रहती है, क्योंकि आपकी जिंदगी की मजे आपके चल ही रहे, यही लेवल बोलते हैं अपन, आप भाग जाते हो, डाउट पूछना रह जाता है। सो सिंपल सा कंसेप्ट रखिए कि डाउट का जो है फर्स्ट 2-3 पेज होते हैं ना, जो आपके इंडेक्स के आसपास के, हमेशा वो डाउट्स को क्या करने का, जिस पेज में डाउट है, पहले पेज नंबर 58 में डाउट है, वो पूरा डाउट लिखो कि मेरे को डाउट क्या आ रहा है, लिख लो पूरा। उस पेज का आपका रेफरेंस देना है, पेज नंबर 58 कहां, इंडेक्स में कहीं पास नीचे जो टॉप एंड बॉटम लाइन है वहां पास लिखना है डाउट, पेज नंबर 58। क्यों मैं करवा रहा हूं ये बात समझना, बहुत बार आपको डाउट आता है, आप जाते हो टीचर के पास कि सर मेरे को ये डाउट है, सर बोलते हैं पूछो बेटा क्या डाउट है, आप बुक उठाते हो, देखना चालू करते हो, सर यही था यही था यही था, आपको डाउट क्या पूछना, आप यही भूल चुके, पूरा फोकस वहां से हटके आपको कहां चला गया फोकस, वो डाउट है कहां, गलती से मिल भी गया तो आपको फोकस आपका कहां जा चुका है। सो वो डाउट क्लियर होने के बाद वहां पास क्या डाउट का सॉल्यूशन मिला है, मेंशन करो उस डाउट को, कट करो, इस तरीके से डाउट का एक सिस्टम होता है, उसको एक फॉलो करना सीखो। नेक्स्ट आता है आपका रिवीजन एट रेगुलर इंटरवल। अब मैंने फिर से बताया, जो आपने समरी बनाई हुई है, आपको एक किसी भी समरी, एक बार भी गलती से किसी एक या दो चैप्टर की आप समरी बना रहे हो, मैं बता रहा हूं आप सभी सब्जेक्ट का, सभी चैप्टर की आप समरी बनाओगे, बिकॉज जब आप रिवीजन करने बैठते हो तो आपको मल्टीपल नंबर ऑफ आवर्स नहीं लगते हैं, आप कोई भी चैप्टर को एक विदाउट समरी स्टडी करने जाओगे, रिवाइज करने जाओगे, आपको मल्टीपल डेज भी लग सकते हैं। और स्पेसिफिकली जब आप नीट, जेईई, सीईटी, सीएस, सीएस ऐसे टाइप के कोई प्रोफेशनल एग्जाम और इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में तैयारी कर रहे हो, तब तक आपको समरी तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज हर बार आप पूरे चैप्टर को पढ़ नहीं सकते हो, बिकॉज आपको एमसीक्यू टाइप और काफी डिफिकल्ट सम में फोकस करना रहता है, तो आपको टाइम बहुत ज्यादा सेव करना है, बहुत नए नए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये रिवीजन कब करना चाहिए, अब समरी बन गया, तो समरी बनने के कारण आपका क्या हो रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हो, अब जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हो तो क्या करो, इसको डिपेंड अपॉन कि आपका एग्जाम कब है, मैं जनरली बोल रहा हूं कि जब आपने स्टडी स्टार्ट किया है, क्लासेस स्टार्ट हुई है, आपके प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है, तो मंथली भी आराम से आप, मैं कोई डेली रिवीजन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई 15 डेज के रिवीजन, मैं मंथली की बात कर रहा हूं, महीने में एक बार उस चैप्टर को कैसे करना है, एक बार बस ओपन करके देख लेना है, मत करो रिवाइज, कम से कम ना आप उसको जाके बोलो मैं तुमको जानता हूं, जब बस देखे रहोगे ना तो भी आपको वो चैप्टर क्या रहेगा, याद रहेगा। आप क्या करते हो, 3-3, 6-6 महीने तक, 8-8 महीने तक उसको देखते भी नहीं हो, वो बोलता है तुम कौन, तो इसलिए आपको उससे थोड़ा सा टच बनाने के लिए आपको भी एक चैप्टर इंडेक्स में नंबर डाल के रखना है कि, और इंडेक्स से वैसे भी मैंने जो बताया है उसमें डेट मेंशन करना है इंडेक्स में, तो उससे समझ में आ जाएगा मैंने जून में किया था, उसके बाद सेप्टेंबर में किया, सेप्टेंबर के बाद अक्टूबर या नवंबर में आपको रिवाइज करना है, तो आपके पास भी क्या रहता है, एक ट्रैक रहता है कि मेरे को अगला रिवीजन कब करना है। नेक्स्ट आता है, जिस प्रकार से आपने ये मेरा वीडियो देखा, चलो बहुत से पॉइंट रहेंगे आपको पसंद आए, कुछ पॉइंट आपके खुद के सेल्फ स्टडी के आज तक आपने खुद से सीखे पढ़ने के, आप क्या करते हो, ऐसे हजारों वीडियो देखते हो यूट्यूब में, इधर उधर से ज्ञान सुनते हो, एक और हैबिट डालो, जब आप इस प्रकार की इंफॉर्मेशनल वीडियो देख रहे हो, मैं ये नहीं मना करूंगा ना, आप इंस्टाग्राम भी देखो, यूट्यूब भी देखो, और भी जो भी चैनल रहते हैं सब देखो, जब भी आप देखो ना तो एक आप डायरी लेके बैठो, ये एक आप समझ लीजिए एडिशनल पॉइंट आपके लाइफ में जोड़ रहा हूं। अब आप जब देख रहे हो यूट्यूब का चैनल, कोई भी वीडियो देख रहे हो, तो आप कुछ ना कुछ मजा आ रहा है ना, जोक मारा है ना, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया, लिख के लो, कुछ मोटिवेशन दिया है तो उसको लिख के लो। जिस प्रकार से इस वीडियो में मैंने इतने 8 पॉइंट्स बताए आपको, ये 8 पॉइंट्स में जो भी पॉइंट आपको ऐसा लग रहा है कि जिस पॉइंट का समरी बनाना है, उसके ऊपर का कंटेंट लिखना है, उसका कुछ एग्जांपल मेंशन करना है, उसको लिख के लो, नहीं तो क्या होगा, आज आपने एक ये वीडियो देखी, अगली बार क्या करोगे, एक दूसरी नई वीडियो देखोगे, पुरानी वाली वीडियो भूल जाओगे, सो अल्टीमेटली आपका कभी भी कंक्लूजन आने वाला नहीं है। सो
यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो या मजा आ रहा हो, आपको लग रहा है कि आपकी स्टडी में आपको ये सब हेल्प कर सकती है, तो आप काम करिए, इसको दोबारा देखिए और इसका क्या बना लीजिए, समरी बना लीजिए, और कोशिश करिए एटलीस्ट एक दो और स्टूडेंट ऐसे महान देवी और देवताओं के लिए आप ट्रांसफर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ऐसी वीडियोस को, ताकि आपके फ्रेंड्स भी अच्छे से स्कोर कर पाए। सो दैट्स इट फॉर माय साइड, थैंक यू सो मच, सी यू, साइनिंग ऑफ।